दोस्तों ये है मेरा डीडी फिडिक्स का AMPG2 सेटॉप्स। इसे दोस्तों मैंने अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अगर दोस्तों आप भी अपने सेटॉप्स को अपने लैपटॉप या पीसी के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट जानकारी पाने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी होगी, तभी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अपने सेटॉप्स को लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और वो डिवाइस है दोस्तों ये ईजर कैप। इस तरह की पैकिंग में आता है, इसमें निकलता है ये ईजर कैप, एक सीडी और एक यूएसबी केबल। तो ये है दोस्तों ईजर कैप, इसकी सहायता से आप किसी भी सेटॉप्स को अपने लैपटॉप या पीसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ इस तरह का ये आता है, और इसे दोस्तों आपको लैपटॉप या पीसी के यूएसबी पोर्ट में लगाना होता है और उसके बाद में ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे ग्रीन एलईडी ऑन हो जाती है और इस तरफ दोस्तों इसकी पिनें हैं, तो येलो वाली वीडियो के लिए और रेड एंड वाइट ऑडियो के लिए होती है। और एक पिन है दोस्तों ये एस वीडियो की होती है, तो ये हमारे काम में नहीं आती, ये केवल तीन पिनें ही हमारे काम में आती है। तो देखते हैं इसकी मदद से आप किसी भी सेटबॉक्स को अपने लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अपने सेटबॉक्स को लैपटॉप या पीसी के साथ में कनेक्ट करना है। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। तो ये रहा मेरा AMPG2 सेटबॉक्स, इसे मैंने ऑन कर दिया है और सेटबॉक्स के पीछे जो डिस्क का वायर आता है वो लगाया है और साथ में ऑडियो वीडियो पिन लगाई है। तो वीडियो के लिए येलो पिन और ऑडियो के लिए रेड एंड वाइट यूज़ किए, और इन तीनों पिनों को आपको ईजर कैप के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए ये रहा ईजर कैप और इसके साथ में मैंने कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर येलो में येलो, वाइट में वाइट और रेड में रेड, तो इसी तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों जो ईजर कैप है इसको आपको लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगा देना है। अगर आपके पास में पीसी है तो आप पीसी के यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। और जैसे आप इसे यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे यहाँ पर आपको एक साउंड सुनाई देगा कुछ इस तरीके से, यानी कि दोस्तों ईजर कैप कनेक्ट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको दोस्तों लैपटॉप में VLC प्लेयर ओपन करना है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट VLC प्लेयर यहाँ पे ओपन कर देना है। तो ये रहा VLC प्लेयर, तो मैं इसे ओपन करूँगा, तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है। इसके बाद में आपको Ctrl+C दबाना है, इसके बाद में यहाँ पे एक मेन्यू इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, कैप्चर मोड आपको डायरेक्ट शो रखना है, कुछ भी हो यहाँ पे आपको डायरेक्ट शो कर देना है। इसके बाद में वीडियो डिवाइस नेम दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको AV to USB 2.0 कर देना है, और यहाँ पे ऑडियो डिवाइस नेम दिखाई देगा तो इसमें भी आपको AV to USB 2.0 कर देना है। उसके बाद में एडवांस ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एस्पेक्ट रेशियो डालना है, तो यहाँ पे डालना है आपको 16:9, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिवाइस प्रॉपर्टी पे टिक करना है, फिर ट्यूनर प्रॉपर्टी पे टिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे ओके कर देना है, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा इस पे आपको ओके करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक मेन्यू फिर से ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है, और यहाँ पे देखिए फिर से एक मेन्यू ओपन होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आउटपुट साइज जो सबसे नीचे दिखाई देगी वो आपको सिलेक्ट कर देनी है इस तरीके से, फिर ओके कर देना है। फिर से यहाँ पे एक और मेन्यू ओपन होगा, तो यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपका सेटबॉक्स आपके लैपटॉप में चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी फ्रीजिंग हो सकती है, आपको करना क्या है पी बटन दबाना है, तो पी बटन दबाने पे दोस्तों ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ओके दबा देना है। फिर से आपको दोस्तों आउटपुट साइज सिलेक्ट करना है सबसे नीचे वाला, और उसके बाद में ओके कर देना है। फिर से यहाँ पे मेन्यू ओपन होगा, तो यहाँ पे ओके कर देना है, और इसके बाद में दोस्तों आपके लैपटॉप में आपका जो सेटबॉक्स है वो चल जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि इसे फुल स्क्रीन में करना तो फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, इसके लिए आपको F बटन प्रेस करना होगा, तो ये देखिए फुल स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। और इसकी ओरिजिनल साइज देखना चाहते हैं तो O बटन प्रेस करना होगा, और अगर आप इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो A बटन प्रेस करना होगा, कुछ इस तरीके से इसका एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको दोस्तों साउंड भी सुना देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे दोस्तों चैनल दूसरा लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको थोड़ा साउंड सुना दे सकूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चैनल दूसरा लगा लेता हूँ, तो इसका साउंड मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। व्यक्ति जो कंप्यूटर संशोधन या किसी अन्य संचार यंत्र द्वारा,
तो आपने सुन लिया दोस्तों, यहाँ पे आपको साउंड भी सुनाई देगा, तो देखते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी चैनल को यहाँ पे चलाना चाहते हैं तो चैनल को भी आप यहाँ पे प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको चैनल को प्ले करके बता देता हूँ। तो ये रहा चैनल, और सिग्नल का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखाई देगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप किसी भी सेटअप को अपने लैपटॉप या पीसी के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इस EGR के द्वारा अपने सेटअप को लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि क्या हम HDMI केबल के द्वारा अपने लैपटॉप में सेटअप कनेक्ट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो लैपटॉप में HDMI का पोर्ट होता है वो दोस्तों आउट के लिए होता है, उसमें आप अपने सेटअप को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सेटअप या लैपटॉप ख़राब हो सकता है। अगर दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में अपने सेटअप को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस EGR केब की ज़रूरत होगी। अगर दोस्तों आप इस EGR केब को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों आप इसे बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। तो देख दोस्तों बहुत ही अच्छा ये डिवाइस है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी में अपने सेटअप को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दिए ताकि आप हमारी आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।